अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट .tv। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेरठ ने आज कहा कि कोरोना से डरने की नहीं, अब लड़ने की जरूरत है, लेकिन यह लड़ाई केवल तभी जीती जा सकती है जब आप स्वयं बहुत सावधानी बरते हैं व सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन करें। IMA ने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन हट रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। मेरठ में कोरोना संक्रमण के चलते मरने वालों की दर अन्य जिलों की तुलना में अधिक है, इस पर भी सभी को ध्यान देना होगा। कोरोना को छिपाने से बेहतर है समय पर इसका इलाज शुरू कर दिया जाए। देर से इलाज शुरू करना कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यह जानकारी आज मीडिया को IMA मेरठ के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता, मीडिया प्रभारी डॉक्टर उमंग अरोड़ा व पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर तनुराज सिरोही ने दी। आइए देखते हैं। अनिल कपूर हूँ, IMA प्रेसिडेंट। इस समय आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई थी कि कल हमारी एक मीटिंग हुई थी जो OSD शासन से आए हुए हैं, वो लोग प्लस जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जो CMO साहब हैं उनके साथ। शासन और प्रशासन बहुत चिंतित है, बहुत व्यथित है कि मेरठ जिले के अंदर जो बहुत ज़्यादा मृत्यु दर है, उस मृत्यु दर को लेके वो लोग काफ़ी व्यथित और परेशान हैं। तो इस मृत्यु दर इतनी ज़्यादा क्यों है तथा इसको रोकने के या कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं, उसके बारे में वो IMA के डॉक्टर्स से और नर्सिंग एसोसिएशन से सलाह और सुझाव मांगने चाहते थे। तो उसी चीज़ के बारे में हमने आपस में काफ़ी विचार विमर्श किया IMA के डॉक्टर्स ने, और उस जो विचार विमर्श के बाद निष्कर्ष निकले उसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है, जिससे कि आम जनता उन चीज़ों का पालन करे और मृत्यु दर कम हो और लोगों के अंदर इन्फेक्शन कम हो, लोगों में भय कम हो, लोगों को ये विश्वास हो कि डॉक्टर्स हर तरीके से आम जनता के साथ और शासन और प्रशासन के साथ। सर, क्या क्या निर्देश दिए गए आम जनता के लिए, क्लिनिक खुलने वाले हैं? देखिए, क्लिनिक का 16 जून के शासनादेशों के अनुसार क्लिनिक्स, जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, अब वो खोल दिए गए हैं। हमारा जनता से ये अपील है कि तीन चीज़ों का अगर आप वो माने उस चीज तीन चीज़ों को, तो कोरोना से बहुत आसानी से बचा जा सकता है, जिसमें पहली चीज है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी जरूरी है। मतलब एक आदमी दूसरे आदमी से कम 6 फुट से 6 फुट की दूरी जरूर बना के रखे। दूसरी चीज, मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करें। मास्क का इस्तेमाल सीखने के लिए चाहे वो डॉक्टर से बात करें, चाहे नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर देखे। सबसे बड़ी चीज है कि एक बार अगर आपने मास्क पहन लिया तो उस मास्क के अगले हिस्से को आपको बिल्कुल नहीं छूना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर आपको निकालना भी है तो आप पीछे से निकाल सकते हैं उसको। एक बार निकाल दें तो उसको दोबारा इस्तेमाल ना करें, फिर दूसरा मास्क इस्तेमाल करें या धुला हुआ कपड़े का मास्क इस्तेमाल करें। तीसरी चीज होती है आपके हाथ धोने का तरीका। साबुन से अगर हाथ धो रहे हैं तो कम से कम 1 मिनट तक हाथ धोएं, और हाथों के हर हिस्से को, आगे पीछे, उंगलियों के बीच में, अंगूठे को, नाखून, और ये सब चीजें आपका साफ करना जरूरी है। इसके बिना हाथ की सफाई प्रॉपर नहीं होती, और अगर ये सब तीनों चीजें करें तो आपके चांस कोरोना के इन्फेक्शन के बेइंतहा कम होगा। और अगर आपको ये सब चीजें करने के बावजूद भी आपको लगता है कि खांसी हो रही है, बुखार है, या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो भी कहीं घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से बात करें। गली मोहल्ले के झोला छाप डॉक्टर के पास ना जाएं, या सरकारी अस्पताल में जाएं, अपना टेस्ट कराएं, और टेस्ट अगर पॉजिटिव भी निकल जाता है तो भी आप कतई ना घबराएं। इस बीमारी का अगर शुरुआत के 1-2-4 दिन के अंदर ही, बल्कि 4 भी नहीं 1-2 दिन 3 दिन के अंदर ही अगर आप इलाज लेना शुरू कर देते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप फौरन ठीक हो जाएं। दिक्कत सिर्फ वहां आती है जहां पर कि मरीज लेट होते हैं। के माध्यम से मैं चाहूंगा कि प्रेस को भी थोड़ा उजागर करें। कल माननीय DM महोदय ने और मुख्य चिकित्सक महोदय ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही मीटिंग में करके आई। मेडिकल कॉलेज के अलावा PL शर्मा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कलेक्शन सेंटर की फैसिलिटी अवेलेबल है, इसके अलावा गवर्नमेंट अस्पताल में अवेलेबल है। ये इम्पोर्टेंट बात इसलिए हो जाती है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें मेडिकल फैसिलिटी में
परेशानी प्रेगनेंसी जिसके सामने ज्यादा आती है उनका केस कोई ले ना ले, कोविड टेस्ट कराए ना कराए, तो सरकार ने जो एक अच्छी सुविधा दी रखी है डबलिन अस्पताल में सरकारी व प्राइवेट जो गर्भवती महिलाएं हैं और जिनका जो डिलीवरी डेट अगर नजदीक है तो वो जाकर के लगभग हफ्ते भर पहले अगर गाइडलाइंस की बात करें तो 5 दिन पहले जाकर के अपना टेस्ट करा लें, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।